रहमान बोला जो है वो आखिरी शख्स था जिसके लिए कहा जाता था कि वो खुद मौजूद था और आग भी उसने लगाई। तो उसने ऑलरेडी थाईलैंड में अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि अल्ताफ हुसैन ने डायरेक्टली उसको कॉल करके कहा कि तुम्हारे सेक्टर से जो 5 करोड़ रुपए आने थे वो क्यों नहीं आए और मुझे आज की तारीख में मिलने चाहिए, नहीं तो जला दो जो भी हो, मुझे जो है पैसे चाहिए। फिर जो है आपके ये रहमान बोला ने 9-0 में जाकर जिन लीडरों से मीटिंग की, एक तो पीएसपी में चले गए, एक एमक्यूएम पाकिस्तान में है। अब देखना ये है कि जिस रहमान बोला स्टेटमेंट में जिन लोगों का नाम लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती है। अब जो हम्माद सिद्दीकी है, हम्माद सिद्दीकी भी वो रेंज से बाहर नहीं है, रेंज के अंदर ही है, वो किसी वक्त भी सामने आ सकता है।